एक समय एक यात्री उनके घर में आया था, तो जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता थे, उन्होंने कहा ठहरिए प्रसाद बनाइए, प्रसाद करिए। उन दिन में रिवाज ये था कि जो ब्राह्मण थे वो अपना भोजन खुद बना देते अपने हाथों से। तो जगन्नाथ मिश्रा ने अपने अतिथि का वन किया प्रसाद बनाने के लिए, और जब वे भगवान को भोग लगा रहे थे कि उस समय सीता निमाय उधर पहुंच गया, उन्होंने उस प्रसाद को झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा है कि मैं आज भूखा रहूं। ब्राह्मण में एक और गुण यह है वो किसी को दोष नहीं दे रहा। हम साधारण समाज में क्या करते हैं, दोष ही दे रहते हैं, तुम्हारे कारण में ये परिणाम हुआ, तुम्हारे कारण में फेल हो गया, हम दोष ही दे रहते हैं। इस ब्राह्मण ने कहा भगवान की इच्छा कि आज मैं भूखा रहा हूँ। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं, फिर से प्रयास करो। दूसरी बार भी जब वो अपने दिव्य भोग लगा था भगवान को, निमाई फिर वहाँ पहुँच गया, और निमाई ने फिर झूठा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बड़ा माना, उन्हें कहा ये मेरा अतिथि है, मेरा बेटा मेरी बेइज्जती करा रहा है। ब्रह्म अतिथि तो तैयार था सोने के लिए। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को दूरी पर बंद कर देता हूँ कमरे में, तो किसी हालत में नहीं आएगा। तीसरी बार भोग लगा रहे थे, मैं फिर वहाँ पहुँच गया और फिर आ गए। मेरे पिता ने तो कहा था तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, तो भगवान ने कहा तुम घबराते क्यों हो, वो किसको लगा रहे हो, मुझे ये देखो। और निशान तो नकल रूप प्रकट किया और दीदी ने कहा ये सूचना किसी और को नहीं देता। तो महाप्रभु शुरू से ही दिव्य लीला भी प्रकट कर रहे थे। Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.